प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से विधानसभा की तैयारी कर रहे समाज सेवी नेता संतोष आर्मिन ने बताया कि जनता की सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। आज प्रतापपुर में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों को तालाब का पानी पीना पड़ रहा है, उनको दूरों मील से पानी लाते हुए देखा गया है। संतोष आर्मी का कहना है कि वर्तमान विधायक इसमें पूरी तरह से फेल नजर आते हुए दिख रहे हैं, उनके दावों में कोई दम नहीं है। अगर जनता ने मौका दिया तो प्रतापपुर में शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, अस्पताल, सड़क, पानी की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा और इस पर पूरी तरह से काम। 2022 का चुनाव जो है किन मुद्दों को लगा जाएगा? सर मुद्दे हैं गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसी सब मुद्दे से चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के निर्देशों का पालन कर रहे हैं सर हम लोग। अच्छा, प्रतापपुर में आप प्रतापपुर से तैयारी कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रतापपुर की जो मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य सर वहाँ पानी और रोड की बहुत सी समस्या है। मैं देखता हूँ वहाँ पानी बहुत दूर दूर से लोग भरते हैं, जिसे वहाँ मुसहर जात के हैं और गरीब हैं। मैं देखा हूँ हर गांव में पानी बहुत दिक्कत है, बहुत ही कोई मैं देखा हूँ कई बार तालाब में लोग पानी पी रहे थे मुसहर कास्ट का। ये देख के मुझे बहुत संकोच लगा, शर्म लगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ, आज भी अभी पानी नहीं मिल रहा है। इनका पानी सुविधा देना, इनका कॉलोनियाँ देना, घर बनवाना, रोड भी कहीं की खराब है बहुत, ऐसे अनेक प्रकार का। वर्तमान विधायक तो कहते हैं उन्होंने बहुत हैंडपम्प बांटे हैं, क्या अभी उनकी काम से आप कितना संतुष्ट? हैंडपम्प सर मैं अभी देखा नहीं कहीं भरते हुए, अभी मैं बहुत घूमा सर देखा नहीं, अभी नया नया हैंडपम्प लगता हूँ मैं नहीं देखा सर। मतलब वर्तमान विधायक के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी सब जनता बताए भाई कि ये कितना काम किए सर, हम कैसे बताएं साहब, लेकिन मैं देखा नहीं हैंडपम्प लगते हुआ। अच्छा, प्रतापपुर में जो है, प्रतापपुर की जनता अगर संतोष आर्मी को विधायक बनाती है जी सर, तो आपकी क्या योजना है? सर वहाँ जितना सरकार की योजना आती है, जो भी शासन चल रहा है, जो जो चलता रहेगा साहब, उसकी योजना मैं मनुष्य तक पहुँचाऊँगा निःशुल्क साहब, कोई भी कमीशन खोरी नहीं। जैसे मैं देखता हूँ किसी का जो कॉलोनी मिलता है बोलते हैं कि कमीशन दीजिए, रोड बन रहा है कमीशन दीजिए। साहब ये सेना का आवाज़ है जिस पर पूरा देश विश्वास करता है, मैं बिना कमीशन काम करवाऊँगा, कोई भी कमीशन खोरी नहीं हो, कहीं भी थाने से लेकर कहीं भी निःशुल्क काम होगा, गरीबों की सेवा होगा साहब, यही है। अच्छा, आप तो शिक्षण संस्थान से भी जुड़े रहे हैं जी सर, आपको नहीं लगता कि प्रतापपुर में जो है शिक्षण संस्थानों की कोई कमी है? कुछ है वहाँ कमियाँ शिक्षण संस्थान का भी। मैंने सोचा मैं अगर मैं कभी भी वहाँ हमको जनता नेता बनाया सर, तो सर्वप्रथम मैं सर वहाँ पर एक अस्पताल खोलूँगा जिससे हर व्यक्ति को फायदा मिले, और मैं हर चीज़ में छूट रखूँगा, उनकी मैं सेवा करूँगा। और एक मैं कॉलेज वहाँ खोल करके मैं, और अगर मैं किसी पद पर गया विधायक या कहीं गया, तो मैं सरकारी भी वहाँ कोई कॉलेज खुलवाऊँगा जिससे गरीबों को सेवा हो सके हर साइड से। ऐसे ही मैंने, मेरे पास जो कॉलेज है सर, मेरे पास 5-6 कॉलेज हैं, मैं जिसके माता पिता नहीं हैं उनको मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ उनको, और जिस जो जो व्यक्ति बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो अपने बेटियों की शादी नहीं करा पाता उनकी मैं शादी भी करवाता हूँ। और पूरा मैं वहाँ पूरा प्रतापपुर विधानसभा गवाह है, देखा हुआ, मैं हर बेटी को मैंने एक एक ट्रैक्टर सामान दिया हूँ हर बेटी को। आज भी मैंने शादी लिखा हूँ, लेकिन मैं वहाँ कुछ ऐसे नालायक कुछ किस्म लोग हैं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि वोट के लिए शादी कर रहे हैं। अब इलेक्शन बाद में फिर दिखाऊँगा, मैं फिर शादी कर दूँगा, मेरे पास नोट है सब बच्चियों का शादी, बाकी मैं सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ ठीक से, कि मैं दिखाऊँगा कि नेता की ड्यूटी होता कैसे है। ठीक है, अगर हमको जनता मौका दिया तब, नहीं दिया तो मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुश, कोई बात नहीं है, जनता की मर्जी है, चाहे जब हमको मौका दे या नहीं दे उनका इच्छा है भाई। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? जी साहब जी, ये मुझे ऐसे मिल रहा सूचनाएं हैं ऊपर से कि गठबंधन साहब कोई बोला हो गया, कोई बोला हो जाएगा। तो प्रतापपुर की सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाएगी? माननीय नेताजी ने हमको बोले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शिवपाल जी ने, कि मैं आपके हाथ से लड़ाऊंगा चाहे गठबंधन हो या न हो। लेकिन ये खैर सर ये भी है, चाहे हमको लड़ाएं साहब चाहे न लड़ाएं, लेकिन मैं उनके साथ रहूंगा जीवन पर्यंत, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, हमारा हमसे सुनते हैं, बात करते हैं। कोई भी मनुष्य आदमी ज़्यादा वहीं पसंद करे सर जिससे बात होता है, हमसे बात हो रहा, मैं किसी भी गरीब जनता को मैं उनके द्वारा मदद करवा सकता हूँ, यही मेरा विश्वास है साहब।